एक आदिवासी महिला पे अगर कोई ये कहे कि तेरा हाथ काट दूंगा, कौन सी धारा लगती है? एक आदमी ये कहता है तेरी नाक काट दूंगा, हाथ काटने और नाक काटने से हत्या होती है कि नहीं होती है? होती है नहीं होती है? फिर 307 क्यों नहीं लगी? तहसीलदार साहब, एसडीएम साहब को आए हैं या नहीं आए? आगे लाओ, बुलाओ, नहीं तो मैं फिर वहां एसडीएम कार्यालय में चला जाऊंगा सबको लेके। बुलाओ इधर। मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि ये वो लोग हैं जिन्होंने हठधर्मिति और अहंकार की पराकाष्ठा कर दी। 230 किसानों ने दम तोड़ दिया। नरेंद्र मोदी के मुंह से हलक से एक शब्द उनकी संवेदनाओं का नहीं निकला। आज एसडीएम साहब हैं आप? कहां है एसडीएम साहब? कितनी देर में आएंगे? एडिशनल एसपी आए हैं? एडिशनल एसपी कौन है? सीएसपी आए हैं? आप ही हैं? ये एक महिला, आदिवासी महिला, आगे आओ सर, आगे आओ आप। ये थाना आपके इंचार्ज में आता है? एक मिनट, एक मिनट। एक आदिवासी महिला को ये थोड़ी बार बैठ जाओ, बैठ जाओ, कहाँ जा रहे हो? ठीक बेन, एक मिनट बेन, सब बैठ जाओ जरा बेन, एक मिनट। एक आदिवासी महिला पे अगर कोई ये कहे कि तेरा हाथ काट दूंगा, कौन सी धारा लगती है? वीडियो देखा आपने? देखा? फिर कौन सी धारा लगती है? 523 लगाई आपने? क्यों? तो 506। एक आदमी ये कहता तेरी नाक काट दूंगा, हाथ काटने और नाक काटने से हत्या होती है कि नहीं होती है? होती है नहीं होती है? फिर 307 क्यों नहीं लगी? और चूंकि आदिवासी है, दोनों वो सामान्य वर्ग से आते हैं, शाह साहब और दूसरा कौन था? सोनी जी। तो आपने क्यों नहीं इस पे एट्रोसिटी एक्ट लगाई? आपने वीडियो देखा या नहीं देखा? ये तालिबान है, कानून का राज है कि तालिबानी राज है, ये बताओ क्या राज है? तो फिर इस तरह की धारा क्यों नहीं लगी अभी तक? कितने दिन हो गए घटना को? घटना को कितने दिन हुए सर? मैं आपसे आपकी ड्यूटी क्या है वो पूछना चाहता हूं। कोई, हम तो आपके सेवक हैं, हम आपसे अलग भी नहीं है। प्रशासनिक, जितना प्रशासनिक हल्का होता है उनके कारण ही लोकतंत्र जिंदा रहता है, वो न्याय करते हैं। हम आपके साथ हैं, हमें पता है प्रशासन पर दबाव रहता है, पर उसकी एक सीमा होती है। एक महिला का तेरा हाथ काट दूंगा, तेरी नाक काट दूंगा, जान से मारने की धमकी दी, वो महिला आदिवासी है, एट्रोसिटी एक्ट लगना था, नहीं लगा, और तीन चलती फिरती धाराएं लगाई। ये क्या हो रहा है भाई? शिवराज जी, ये है आपका माफियाओं के खिलाफ अभियान। इस तरह के दो आंखों से माफियाओं को देखते हैं आप जो करते हैं बीजेपी का माफिया साफ साफ, और माफिया उस पर कार्रवाई करूंगा, और रोज भाषण देते हैं आप। ये है आपकी पुलिस, ये है आपका प्रशासन, और ये अन्याय, ये मध्य प्रदेश की जनता देख रही है। मैं पूछना चाहता हूं सिर्फ शिवराज जी, इस मंच से, इस पावन मंच से, कि इस कलावती के जगह आपकी बेटी होती, आपकी बहन होती, आपके परिवार की कोई होती, मेरी बहन होती, जिसको जान से मारने की बात कहते तो आप क्या करते? ये प्रश्न है। आदरणीय सीएसपी साहब, मैं आपके माध्यम से एसपी को बोल रहा हूं, और आदरणीय तहसीलदार जी, ये आपके माध्यम से मैं कलेक्टर को बोल रहा हूं, 24 घंटे में जो धाराएं लगनी चाहिए लगनी चाहिए, नहीं तो कमलनाथ जी के नेतृत्व में, खुद कमलनाथ, उनसे मेरी बात हुई है, पूर्व मुख्यमंत्री, आपके कलेक्टर ऑफिस में, एसपी ऑफिस में आपसे इस पूरे प्रकरण को लेकर मिलने आएंगे, बता दूं मैं आप। 24 घंटे न्याय करो, न्याय। हम ये नहीं कहते कि धाराएं लगाओ बढ़ाओ, नहीं, जो लगनी चाहिए, जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो विधानसभा 22 की चलेगी, उसके पहले हम आप लोगों से मिलने आएंगे। बाद में मत कहना कि ऐसी परिस्थिति निर्मित हुई। हाथ जोड़ के निवेदन है, न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो।